का पसंदीदा फूलदान था, वो मुझे जरूर सजा देंगे। अब मैं क्या करूं? जब मैंने नौकर को सफाई करने के लिए अंदर आने दिया तब तो यही था। मैं अभी उससे पूछता हूँ। हाँ, उसे फौरन यहाँ बुलाओ। हमारा फूलदान कहाँ गया? आखिर में तो तुम ही यहाँ थे, बताओ कहाँ है वो? मैं उसे साफ करने ले गया था। सफाई? उसके लिए उसे यहां से ले जाने की क्या जरूरत थी? जाओ, उसे फौरन वापस लाओ। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, पर दरअसल सफाई करते वक्त गलती से गिरकर टूट गया वो। टूट गया? मगर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे साफ करने ले गए हो। गलती से गिराने के लिए हम तुम्हें माफ कर देते हैं, मगर हम तुम्हें झूठ बोलने की सजा देंगे। हमें झूठ से सख्त नफरत है। दफा हो जाओ हमारी सल्तनत से। सिपाहियों, ले जाओ इसे यहां से। हुजूर, हुजूर, माफ कर दीजिए हुजूर, हुजूर, मुझसे गलती हो गई हुजूर, मैं डर गया था हुजूर, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, हुजूर, माफ कर दीजिए हुजूर। देश निकाला की सजा दी। किसी भी झूठे को कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमेशा सच बोलना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया हुजूर। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई सबसे बेहतर है। हाँ, यकीनन। क्या आप में से कभी किसी ने झूठ बोला है? नहीं जापन, झूठ कभी नहीं, हो ही नहीं सकता जापन, कभी नहीं, कभी नहीं, मुझे तो झूठ बोलना आता है। मुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता हुजूर। बीरबल, तुम क्या कहते हो, तुमने कभी झूठ बोला है? मैंने कभी ना कभी तो झूठ बोला है जहांपनाह। तुम्हारा मतलब है कि हमारे दरबार के 9 रत्नों में से 1 रत्न झूठा है? लेकिन हुजूर, हमें कभी ना कभी तो झूठ बोलना ही पड़ता है ना। मुझे ये यकीन है हर कोई झूठ बोलता है, किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, पर किसी को ठेस ना पहुंचे इसलिए। नहीं, हमें नहीं लगता कि किसी को भी किसी भी हालत में झूठ बोलने की जरूरत है, और हम यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते
कि हमारे दरबार का खास मंत्री एक झूठा शख्स हो। लेकिन हुजूर, नहीं नहीं नहीं, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारे उसूल सबके लिए बराबर हैं, इसलिए अब तुम हमारे दरबार में मंत्री नहीं रह सकते बीरबल। हमें झूठ और झूठों से सख्त नफरत है, हम अपने दरबार से तुम्हें निकालते हैं। चले जाओ यहाँ से और अपनी सूरत कभी मत दिखाना। मैं जैसी आपकी मर्जी हुजूर। सेवक राम जी। हुजूर, कहिए मैं क्या कर सकता हूँ। बाजार जाकर मेरे लिए शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो। उसे कहना कि ऐसी ही एक डाली सोने की बनाए, पूरी डाल से लेकर गेहूं के दानों तक एक डाल जैसी होनी चाहिए। सेवक राम, तो हमने तुम्हें अपने दरबार से निकाल कर कहा था कि कभी अपनी सूरत मत दिखाना, तुमने हमारे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? हुजूर, मुझे माफ करें, मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करना चाहता था। तो यहाँ क्यों आए हो? हुजूर, आपने मुझे दरबार में आने से मना किया हो, फिर भी मैं इस राज्य का वफादार नागरिक हूँ। मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो इस सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी, इसलिए सोचा आपको आकर दिखा दूं। सचमुच ऐसी क्या चीज है जो हमारी सल्तनत को दुनिया में सबसे अमीर बना देगी? दिखाओ हमें, ये तो असली सोना है। जी हुजूर, ये बिल्कुल असली सोना है। मगर इसका क्या मतलब है और इसका करना क्या चाहिए? हुजूर, ये सोने की डाली मुझे एक ज्योतिषी ने दी थी जो बरसों की तपस्या के बाद हिमालय पर्वत से लौटे थे। ये उन्हें भगवान से वरदान में मिला था। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे सबसे उपजाऊ जमीन पर बोएंगे तो सोने की खेती कर सकते हैं। बीरबल, क्या तुम्हें यकीन है? हुजूर, वे ज्योतिषी कोई आम आदमी नहीं थे। मुझे तालाब के पास ये डाली देकर वो तालाब के उस पार पानी पर चलकर पार कर गए। पानी पर चलकर गए? जी हुजूर, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, वैसे वे पानी पर चलकर तालाब पार कर गए। हुजूर, खैर बीरबल, अब वक्त जाया मत करो और जल्दी से सबसे उपजाऊ जमीन ढूंढ कर इस बाली को वहां बो दो। हुजूर, मैंने पहले ही ये काम कर दिया है और ऐसी एक जमीन भी ढूंढ ली है, मैं आपको अभी वहां ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर हम कल ही इस बाली को बोएंगे। यही वो जगह है। ओह, तो फिर देर किस बात की है? जाओ बीरबल और बाली को बो। नहीं हुजूर, मैं ये डाली नहीं बो सकता। नहीं बो सकते? क्या मतलब तुम नहीं बो सकते? हुजूर, सिर्फ वही इसकी बुआई कर सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर कोई झूठा इसे बोएगा तो ये सोने की डाली नहीं उगेगी। और जैसे मैंने आपसे कहा है, मैंने जीवन में कई बार झूठ बोला है। ठीक है, तो फिर आप में से कोई आगे आकर इस बाली को बोइए। हमें यकीन नहीं होता, हमारे पास एक भी ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी झूठ ना बोला हो। हुजूर, मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही इसकी बुआई कर सकते हैं, सिर्फ आप। आ, वो,
हुजूर, अब सिर्फ आप ही हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, तो क्यों ना आप इस डाली को बो दे। हमने भी बचपन में कभी कुछ झूठ बोले होंगे, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम। हुजूर, मैं झूठ बोल रहा था। ये सोने की डाली जादुई नहीं है, ना ही ये मुझे किसी ज्योतिषी ने दी थी। इसे मैंने शहर के एक जौहरी से बनवाई थी। जी हुजूर, आप समझ गए होंगे कि हर किसी को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, सच्चाई छुपाने या धोखा देने को नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी का दिल न दुखे या शर्मिंदा न होना पड़े या किसी और अच्छे कारण के लिए। हम समझ गए बीरबल, और सच बोलने पर तुम्हें सजा देने के लिए माफी चाहते हैं, और बिना डरे हमें अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम हमारे एक सच्चे दोस्त हो बीरबल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हुजूर, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। शुक्रिया। Yeah.
जो सनातन है, मां का है, एक महानदी जो हिमालय के हृदय से निकलती है, मां गंगा बन जाती है। कष्टों को हर लेती हूँ और पापों का विनाश करती हूँ। मैं मानवता को पुण्य और प्रगति के पथ पर देखना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। मैं अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर और सहकर भी शांति से बह रही हूँ, क्योंकि मैं गंगा हूँ, निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ, निःशब्द। विस्तार है अपार, प्रजा दुमपार, करे हाहाकार, ओ गंगा, ओ गंगा तुम बहती हो क्यों?
Set off for the market. And after finishing his business, he bought the dress and necklace for his two daughters. Ah, well, I've finished my business and shopping. It's time to head back home. It's getting late, so I'll pack the red rose for beauty on the way. The merchant was halfway home, when suddenly there was a loud clap of thunder with lightning, and it started raining heavily. Awful weather. How am I going to reach home in this fierce storm? I can't even see any sign of shelter. Suddenly, the merchant saw a bright light, and going on near, he saw a beautiful castle. No one seemed to be around, so the merchant went inside. Oh my, my! A castle in the middle of the woods. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Anyone there? I can't see anyone around. Well, I guess I'd better be on my way. So saying, the merchant made his way to his horse, and was pleased to note that his horse had also been given fresh air. You're an ungrateful man. You're stealing my beautiful flowers. You shall be killed for this. Oh, sir, I'm very, very sorry. I didn't mean to steal. My youngest daughter, Beauty, had asked me to bring her a rose flower, and I was taking it for her. Well, I'm going to let you go on one condition. Anything, sir. I will do anything. When you go back, you will send your daughter, Beauty, to live with me here in my castle. What? Oh, sir. You can leave only if you agree to my condition. The merchant had no choice but to agree to the beast's condition. With a heavy heart, he left the beast's castle and returned home. Oh, Father, I love this dress. I can't wait to try it on. This pearl necklace is just beautiful. I'm sure my friends will be so envious. Thank you for this beautiful rose, Father. But why do I get the feeling that something is worrying you? Oh, my dear, dear Beauty. Unlike your sisters, you know me so well. I really don't know how to tell you. You can tell me anything, Father. I just don't want to see you troubled like this. The merchant then told Beauty all that had happened, and the promise he had made to the beast. My dear, I don't want you worrying your pretty head about it. I'll figure something out. No, Father. You have given your word.
It is because of my rose that this happened. So I will go to the beast. With a heavy heart, the merchant went out and left his precious daughter at the beast's castle. Beauty was at first terrified on seeing the beast, but the beast was so gentle and kind to her that slowly Beauty lost her fear of him. The beast is very ugly, in fact, quite frightening to look at. But he has treated me so well. He is indeed a noble soul. So life went on. Beauty spent her days in the beautiful gardens of the palace. The beast sat near her, happy just observing her. However, one day things changed. Beauty, I've been wanting to ask you something for a very long time. Will you be my bride? Beauty was shocked. She had got used to the beast around her. But marriage? She could not even think of marrying such an ugly creature. I do like you a lot, sir. But the thought of marriage has never entered my head. It's all right. I'm not offended by your answer. No more was said, and life continued as usual. However, the beast understood that Beauty was missing her family, and one day he gave her a magic mirror. My dear, I know you are missing your father and sisters. Come, have a look in this mirror. Beauty could not believe her eyes. There in the mirror, she could see her father and sisters so clearly, though they were so far away. Oh, sir, you are too kind. I don't know how to thank you. One day, when Beauty went to the magic mirror, she was shocked to see her father ill and in bed. She ran up to the beast. Sir, I just saw my father in the magic mirror. He is ill and remembering me. Can you please, please let me go and visit him? The beast was very angry and stomped out of the room. However, when he saw how sad Beauty was, he went up to her. All right, Beauty. I'll let you go to your father. But on one condition. You have to return to the castle in 1 week. I promise I will come back. You have been so kind to me. I cannot even think of breaking my promise. And so Beauty went to visit her sick father. My child. Oh, how I've missed you. I cannot forgive myself for the situation I've put you in. No, father. You must not blame yourself and make yourself ill. The beast has been extremely kind to me. And even though I miss you and my dear sisters, I can see you every day through a magical mirror that the beast has given me. With his precious daughter with him again, the merchant became well very soon. Beauty was so happy to be with her family again, and she completely forgot about the promise she had made to the beast. And one night, she had a horrible dream. She saw the beast calling out her name. He seemed to be in a lot of pain, and was begging Beauty to return to him. Oh, how could I have forgotten the promise I made to the beast? He has been so good to me, looked after me so well. I have been so happy with my own family that I completely forgot about him. Beauty rushed to her father's room. Father! What's the matter, my child? What's happened? Are you not well? I must leave immediately, father. I saw the beast in my dream. He was pleading with me to return and seemed to be in a lot of pain. I must hurry, father. If anything happens to the beast, I shall never be able to forgive myself. Yes, dear, you must go back. But why don't you wait until morning? No, father. I must not delay for a minute. The beast needs me, and I must go to him immediately. So saying, Beauty quickly got ready and ran to her horse, and was soon on her way to the beast's castle. When she reached, she could not see the beast anywhere. I hope I am not late.
I couldn't bear it if anything happened to the beast. After being away from him, I now realize how good he was. Oh, where do I look for him? Suddenly, Beauty heard a groaning sound from the garden. Whoa. She ran there, and among his beautiful rose bushes lay the beast. She then sat down near the beast, and tears started flowing down her cheeks. I am so sorry that I broke my promise. I didn't mean to. I really didn't. Please, don't leave me. I want to marry you. I really do. Suddenly, a miracle happened before Beauty's astonished eyes. As soon as she uttered the words, the beast began to transform into a handsome young man. What is happening? Who are you? Beauty, I am actually a prince. The prince of this castle. And you're going to become my beloved princess. Oh,
Namaste, Kalamu. Much better. Good evening, all. We all bring before you this presentation. Never give up. Never give up. The name itself suggests that we do not lose hope and keep trying all the time. One has various phases in life, ups and downs, but we should keep trying success till we are and we will achieve the ultimate goal of precious life. So cheer for the twins of Class 4D and FC.
डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। Without exercise. Good evening, everyone. Aerobics and yoga make us healthy and fit. Healthy and fit. Is the point. Today's students a heart touch performance. शरीर जीवन में दर्द सारे लक्ष्यों को पा